ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज होने वाली कैबिनेट की बैठक की। तो आम चुनाव से पहले आज मोदी कैबिनेट की अंतिम बैठक में मोदी सरकार अहम फैसलों के जरिए विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। इसमें अनुच्छेद 35 ए को समाप्त करने का फैसला भी शामिल है। वहीं 13 सूत्री रोस्टर पर बचे विवाद के बीच सरकार उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लाएगी और इस अध्यादेश के बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज को एक यूनिट के तौर पर लिया जाएगा, जबकि विभिन्न श्रेणियों में पदों की गिनती करने में डिपार्टमेंट को आधार नहीं माना जाएगा। इसके अलावा किसान सम्मान योजना की दूसरी किश्त जारी करने पर भी मुहर लग सकती है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार पिछले 3 महीने से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35 ए को हटाने पर मंथन कर रही है और इस बारे में कई दौर की बैठक भी हुई है। पुलवामा हमले के बाद किए गए एयर स्ट्राइक से हालांकि सरकार इस पर असमंजस में भी है। एक धड़े का मानना है कि पाकिस्तान से तनातनी के कारण एक बार फिर से कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है और ऐसे में फिलहाल 35 ए को निरस्त करने के फैसले से बचा जाना चाहिए। हालांकि दूसरा धड़ा इस अनुच्छेद को निरस्त करने पर अड़ा हुआ है, इसके पक्ष में है। कैबिनेट की बैठक में किसान सम्मान योजना की दूसरी किश्त भी जारी करने पर सहमति बन सकती है और खुद पीएम इसकी पहली किश्त 24 फरवरी को जारी कर चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि किस तरह से इस बड़ी योजना को लाया गया। और इस योजना के तहत किसानों को हर चौथे महीने 2000 रुपए की नगद राशि मिलनी है। सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि दूसरी किश्त जारी होने से इस योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे जो विरोधी हैं उनको मुंहतोड़ जवाब मिल जाएगा। जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इससे नाराज चल रहे किसान वर्ग को साधने में भी सरकार को आसानी होगी।